इंफॉर्मेशन प्रोसेस करेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अ कमांड कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी बेटा, और सेम टाइम इट विल ऑल्सो टेक पार्ट इन प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन। और बेटा वॉलेंट्री मूवमेंट बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और क्या क्या कराता है देखिए, वॉलेंट्री मूवमेंट कराएगा, वॉलेंट्री मूवमेंट, इनवॉलेंट्री मूवमेंट बेटा, हाँ इनवॉलेंट्री में भी तो सेरिब्रम उसमें इन्वॉल्व होता है इनवॉलेंट्री फंक्शंस में। और वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गेंस जैसे लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, उन सबको बेटा रेगुलेट करता है। ठीक है, सब बता दे रहा हूँ मैं, वो तो बाद में आएगा बेटा। थर्मो रेगुलेशन करता है, क्या करता है, इन जनरल पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और साथ में बेटा हंगर और थर्स्ट, हाँ इसमें हाइपोथैलेमस करके एक बेटा पार्ट होता है, वो उसको थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी बोलते हैं, तो वही करता है थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, और बेटा हाइपोथैलेमस ही भूख लगने की प्रक्रिया जो है, हंगर जो कि इस वक्त आपको लगी हुई है, और साथ में थर्स्ट, ठीक है, इन दोनों को कंट्रोल करता है। हंगर और थर्स्ट को कौन कंट्रोल करता है, वही हाइपोथैलेमस जो कि सेरिब्रम के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, और बेटा जितने भी ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सब कंट्रोल करता है, इंडो और उसके साथ में एक्सो, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। अब बेटा जल्दी से डायग्राम पे अपने आ जाएंगे, ये देखो ये अपना हो गया, ये फोर ब्रेन हो गया इस तरीके से, यहाँ पे इस, अरे भाई क्यों मिटा दे रहे हो भाई तुम लोग, यहाँ पे इस तरीके से डाइन से फुलॉन होता है। क्या करने के लिए, स्क्रीन शेयरिंग का फीचर देने के लिए, कई बार बायो में वो समझता हूँ चेंज आ जाता है, बार बार डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। फिर क्या बोला, बोले कि हम इसे कंसीडर करें, उनको बोलो पहले छोड़ो। देखिए यहाँ पे देखिए, अभी बेटा अब ये ब्रेन के ऊपर तीन लेयर होती है, कितनी लेयर होती है, तीन लेयर, एक लेयर ये बनाया मैंने ना, शांति शांति वो सब नहीं है बेटा, ये दूसरे लेयर्स हैं बीच में, एक और चलो एक रेड कलर का लेयर बना देते हैं। चलो रेड कलर का लेयर इसलिए बनाया बेटा क्योंकि वो हाईली वस्कुलर होता है। ठीक है, सबसे बाहर जो रेड ब्रेन कवर्ड होता है बेटा क्रेनियल मेनिंजेस, इन तीनों को साथ में क्या बोलते हैं भाई, इन तीनों को साथ में बोलते हैं क्रेनियल, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा तो आपको एक कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्रेनियल मेनिंजेस, मेनिंजेस इन तीनों को साथ में बोलते हैं। ठीक है, एम ई एन आई एन जी ई एस बेटा, ये करते क्या, ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं बाहर से, ब्रेन के बाहर आर्मर बन के खड़े रहते हैं, तीनों मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ओके अब बेटा इसमें सबसे ऊपर वाला जो है वाइट कलर का जो मैंने बनाया है बेटा, उसका नाम है ड्यूरा मैटर। क्या नाम है, ड्यूरा मतलब स्ट्रांग, अपने ड्यूरा बैटरीज नहीं आती, ड्यूरा ड्यूरेबल, ड्यूरा मतलब क्या होता है बेटा, ड्यूरेबल, तो इसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर। क्या बोलते हैं इसको, ड्यूरा मैटर। अब बेटा ड्यूरा मैटर के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये सबसे बाहर का मैटर होता है। ठीक है, टफ होता है, टफ फाइबर से बना होता है, कैसा होता है, टफ फाइबर से बना होता है। ठीक है, दूसरा बेटा है जो ये येलो वाला, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एरेक्नोइड मैटर। क्या है, एरेक्नोइड, सच एक सेकंड, ARACNOID एरेक्नोइड मैटर बोलेंगे। ठीक है, अब बेटा एरेक्नोइड जो होता है वो थिन होता है, पतला होता है कंपैरेटिवली, और डेलिकेट होता है। ठीक है, थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है, और ये तकिए की तरह होता है, कैसा होता है, वेब लाइक क्यूशन, कैसा होता है बेटा, वेब लाइक क्यूशन। ठीक है, क्यूशन, ओके ठीक है, ये हो गया एरेक्नोइड मैटर के बारे में बेटा। तीसरा मैटर, सबसे इंपॉर्टेंट मैटर बेटा, लाल वाला जो है उसको बोलते हैं पाया मैटर। क्या बोलते हैं, पाया, पाया मैटर। अब पाया लाल कलर से लिखा है बेटा, इसका मतलब है कि ये इनर मोस्ट हाईली वस्कुलर होता है, कैसा होता है, हाईली ब्लड वेसल्स यहाँ पे होती है, हाईली
वस्कुलर, हाईली वस्कुलर होगा, ठीक है, ओके समझ गया बेटा। अब बेटा एरेकनॉइड और पाया मेटर के, एरेकनॉइड और पाया मेटर के बीच में, इसके बीच में यहाँ पे एक फ्लूइड होता है। क्या होता है फ्लूइड? इस फ्लूइड का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? सेरिब्रो, CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब इस फ्लूइड में अगर इन्फेक्शन हो जाए, अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए बेटा, तो एक बीमारी होती है, उसका नाम है मेनिनजाइटिस। कौन सी बीमारी होती है? मेनिन, मेनिनजाइटिस। मेनिनजिस बोलते हैं इसको बेटा। तो बीमारी का नाम क्या है? मेनिन जाइटिस। ये क्या होता है? मेनिनजाइटिस क्या है बेटा? एक्चुअली इन्फ्लेमेशन है। क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजिस। किसका? मेनिंजिस का, मेनिंजिस का इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, MENINGES, ठीक है, क्लियर है मेनिंजाइटिस क्या हुआ? हाँ ओके, तीनों तीनों मैटर के बारे में बताओ बेटा एक बार। वही तो जुड़ा मैटर होता है जो हाई फाइबर से बना रहता है। उसके बाद एक तो होता है मेरा आर्किगोनिया, आर्किगोनिया क्या होता है वो, आर्कलगोनाइट, आर्को आर्किगोनाइट, वो होता है मेरा कुशन। भाई क्या कर रहे हो? अरे शब्द का क्या कर रहे हो भाई तुम? हेलो उसके बीच का जो लेयर, हेलो, रुको 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 रुको, अरे भाई एरेकनाइड को तुम अर्किगोनिया बोल रहे हो तो मैं क्या करूं बताओ? वो तो ठीक है सर, अब इतना पास ले जाके बोल दिए थोड़ा कान। एरेकनॉइड बोलो पहले तो तुम। आर्किगोनियम का मतलब समझते सॉरी हो तुम? सर, आर्किगोनियम फीमेल पार्ट होता है टेरिडोफाइट्स में। चलिए चलो, थोड़ा सा सेंट्रल, हाँ सेंट्रल फ्लूइड होता है, तो सेंट्रल सोमा फ्लूइड, और उसके बाद बस यही सब 3 लेयर और हैं। क्लियर है एक तीनों? अंदर में एक और लेयर है, एक पीपीआ कुछ ऐसे करे, कुछ ऐसे है जिसमें पाया, जैसे नर्व फाइबर्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, नर्व्स नहीं होते, हाँ पाया वस्कुलर लेयर। होता है, हाईली वस्कुलर होता है, वेन्स होते हैं, वेन्स एंड आर्टरीज होते हैं, ठीक है। और इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो बीमारी का नाम क्या है? उसका नाम है मेनिंजिस, मेनिनजाइटिस, मेनिंजाइटिस, मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस बहुत फेमस बीमारी है बेटा, मेनिंजाइटिस। मेनिनजाइटिस काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है मेनिनजाइटिस, ठीक है ओके। स्पेस, अब बेटा अभी ये स्पेस सी, क्या होता है सर? अभी तक सुनिए, इसमें बेटा हेडेक होता है, बाद में फूलने लगता है, आपके तीनों लेयर है ना उनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मैंने लिखा भी है देखो आगे, मेनिनजाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिनजिस। मेनिनजिस क्या है? ड्यूरा मेटर, एरिकनॉइड और पाया मेटर के नहीं अंदर सर, मतलब इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन से क्या होता है सर? सूजन हो जाती है, सूजन को इंग्लिश में इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, सूजन, स्वोलन, स्वेलिंग, सर एक बार मुझे भी हुआ था सर। ठीक। कोई बात नहीं, अपने आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट मत करोगे, अभी ठीक हो गया ना, हाँ चलो सर, ओके। अब बेटा ये CSF सिर्फ मेनिनजेस के बीच में नहीं है, ये एक हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? स्पाइनल, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में भी पाया जाता है मेनिनजेस बेटा, लेकिन यहाँ पे कहाँ पाया जाता है? जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड है, बोन मैरो, नहीं अरे स्पाइनल कॉर्ड है, बोन मैरो में कहाँ पहुँच गए तुम? स्पाइनल कॉर्ड जो पीछे बेटा ब्रेन से निकल के, जो ब्रेन स्टेम जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक लाइन जाती है एकदम बीच में, वाइट कलर का मैं बना रहा हूँ, देखो एक लाइन है, एक्चुअली एक बेटा गैप है ये, मतलब ट्यूब जैसा है, कैसा है? ट्यूब जैसा है, और इसी ट्यूब ट्यूब के बीच में ये फ्लूइड जाता है इस तरीके से, फ्लूइड मैं बना नहीं पा रहा हूँ अंदर, हाँ ये रहा, जा रहा है ना फ्लूइड, दिख रहा है? तो इस केनाल का नाम है जो स्पाइनल कॉर्ड में है, उसका नाम है सेंट्रल केनाल। कौन सा केनाल है ये? सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल केनाल के अंदर, ध्यान से सुनो, सेंट्रल केनाल के अंदर प्रोड्यूस होता है एक कोलमनार सेल्स होते हैं बेटा, जो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, वाइट कलर का बनाता था, यहाँ
यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है, कॉलमनार, कॉलमनार सेल तो थोड़े बड़े होंगे इस तरीके से, कॉलमनार सेल्स हैं। और ये कॉलमनार सेल्स का नाम क्या है बेटा? इन्हीं सेल्स को हम बोलते हैं एपेंडेमल सेल्स। क्या बोलते हैं? एपेंडेमल सेल्स। एपेंडेमल सेल मैंने आपको पढ़ाया था बेटा ग्लिया सेल्स में, याद करो। यही सेल्स बनाते हैं यहाँ पे सीएसएफ। ये क्या बनाते हैं बेटा? फॉर्मेशन करते हैं सीएसएफ का। ओके, तो ये क्या फॉर्म करेंगे? हाँ, सीएसएफ बनाते हैं एपेंडेमल सेल्स बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, याद रहेगा। ओके, इतना काफ़ी बेटा। अब हम शुरू करेंगे सेरिब्रम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। आपने कवरिंग के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया, ठीक है। ओके, चलिए वापस जाइए, 2 मिनट बाद आइए सब। अभी आएंगे कि शाम को आएंगे? सर आप जैसा मतलब बोले, अभी अगर